सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया और मुझे बताया गया कि आप काफी समय से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं गुरदासपुर की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूं। ये डेरा बाबा नानक जैसे पवित्र स्थान से सुशोभित है। इसमें हमारे गुरुओं के आशीर्वाद जुड़े हैं। मैं देख रहा हूं आपका ये उत्साह, ये प्यार, गुरदासपुर और बीजेपी का ये रिश्ता कुछ खास है। मैंने पंजाब में काम किया है, बहुत पुराने साथियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। हमारे कंसराज जी हो, मदन गुप्ता जी हो, ऐसे अनेक नाम है जिनके साथ लंबे अरसे तक मुझे यहां का अवसर मिला और यहां चार बार सांसद रहे मेरे बहुत ही अच्छे मित्र विनोद खन्ना। हम कंधे से कंधा मिला के काम करते थे, लंबे अरसे तक साथ में काम किया और मैंने देखा था कि वैसे तो ये सेलिब्रिटी दुनिया अलग होती है, लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए थे। उनको यहां के विकास कार्यों के संबंध में बारीकियों से हर चीजों का पता रहता था और मंत्री के रूप में भी अटल जी की सरकार में उनके योगदान की चर्चा आज भी ब्यूरोक्रेसी में होती है। उन्होंने अनेक पुलों का निर्माण करवाया, अनेक रास्तों का निर्माण, अनेक विकास के कामों में, और गुरदासपुर के लोग तो आज भी उनके कामों की सराहना करते हैं। गुरदासपुर का तेज विकास हो, पंजाब का तेज विकास हो और देश का तेज विकास हो, अपने तीसरे कार्यकाल में मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, 2024 का चुनाव ये देश को नेतृत्व देने का चुनाव है। आज एक और बीजेपी और एनडीए है, विकसित भारत का स्पष्ट विजन है, राष्ट्र प्रथम का संकल्प है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार है और दूसरी ओर इंडी गठबंधन है, घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी, घोर परिवारवाद, ये कांग्रेस झाड़ू वाले, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये देश की जनता को पता नहीं क्या समझते हैं। क्या देश की जनता समझदार है ऐसा उनको लगता नहीं है क्या? आए दिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रहे। अब आप देखिए, ये लोग दिल्ली में दोस्त होने का दिखावा करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और यहां पंजाब में
एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जनता भी जान गई है इन दोनों दुकानों का शटर एक ही है। इसलिए इंडी गठबंधन को हराने के लिए आपको सिर्फ भाजपा को ही कमल के निशान पर ही बटन दबा करके आपके सपनों को पूरा करना है। और आपको भी पता है केंद्र में सरकार, मुझे बताइए किसकी सरकार बनेगी भाई, आप बताइए किसकी बनेगी। आप यहां गुरुदासपुर में, पठानकोट में, कहीं पर भी रेल के डिब्बे में 100 लोगों को पूछिए कि बताओ भाई सरकार किसकी बनेगी। 90 लोग कहेंगे कि भाई मोदी की सरकार बनना पक्का है। अब जब इतना साफ साफ है तो कोई अपना वोट बर्बाद करेगा क्या, कोई अपना वोट फालतू में ऐसे खर्च कर देगा क्या? और इसलिए इस बार कोई दुविधा का माहौल ही नहीं है। इस बार इस देश का नागरिक, एक भी नागरिक अपना वोट बर्बाद करना नहीं चाहता है। मैं पंजाब के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप अपना वोट बर्बाद मत होने दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, सरकार बनना तय है। साथियों, इंडी गठबंधन के असली चेहरों को पंजाब से ज्यादा कौन जानता है। हमारे पंजाब को सबसे ज्यादा घाव इसी इंडी गठबंधन ने दिए। आजादी के बाद विभाजन का घाव, स्वार्थ के चलते अस्थिरता का घाव, पंजाब में अशांति का लंबा दौर, पंजाब के भाईचारे पर हमला, हमारी आस्था पर चोट, कांग्रेस ने पंजाब में क्या कुछ नहीं किया। यहां इन्होंने अलगाववाद को हवा दी, फिर दिल्ली में सिखों का नरसंहार करवाया। कांग्रेस जब तक केंद्र सरकार में रही, दंगाइयों को बचाती रही। ये मोदी है जिसने सिख दंगों की फाइलें खुलवाई, ये मोदी है जिसने आरोपियों को सजा दिलवाई। आज भी कांग्रेस को, झाड़ू वाली पार्टी को इस बात की तकलीफ है, इसलिए लोग मोदी को दिन रात गालियां देते फिरते हैं। साथियों, जब देश हित की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी आपको सबसे पीछे खड़ी नजर आएगी। अब याद करिए, कांग्रेस जब पंजाब में सत्ता में थी तो ऑर्डर्स कहां से आते थे? कांग्रेस चाहती थी कि रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलाएं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस दिल्ली के शाहजादे का ऑर्डर मानने से इंकार कर दिया।
वो सेना के देशभक्त जांबाज थे, उन्होंने सीमावर्ती राज्य होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी, उन्होंने दिल्ली के देश विरोधी ऑर्डर लेने बंद किए, परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस के शाही परिवार और शहजादे ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। पंजाब का यह अपमान क्या कोई कभी भूल सकता है? भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी पंजाब को रिमोट से चलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के दरबारी पंजाब चला रहे हैं, पंजाब के सीएम वो अपने आप से एक फैसला नहीं ले सकते, इनके मालिक जेल गए, पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी, यहां के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। आपको पता है 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे। क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी क्या? आपको ऐसी सरकार मंजूर है क्या? ऐसी पद्धति मंजूर है क्या? ये पंजाब का अपमान है कि नहीं है? ये वीर भूमि का अपमान है कि नहीं है? ये गुरुओं की भूमि का अपमान है कि नहीं है? क्या ये पंजाब के भविष्य को दांव पर लगाने की बात है या नहीं है? आज पंजाब जिस स्थिति में है उससे बाहर निकालने के लिए मैं पंजाब वासियों से प्रार्थना करने आया हूं, और मैं आज आपको आग्रह करके आपसे कुछ मांगने आया हूं। पंजाब के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार पंजाब ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के सांसद चुन करके भेजे। आप वोट देकर अपना काम कीजिए, 5 साल आपके सपनों के लिए मैं जीऊंगा। आपके सपने ही मेरे संकल्प होंगे, मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। और मैं आपको वादा करता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कांग्रेस का एजेंडा क्या है, ये कश्मीर में फिर से 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। इन्हें फिर से कश्मीर में आतंकवाद चाहिए, इन्हें फिर से कश्मीर को अलगाववादियों को सौंपना है, ये फिर से पाकिस्तान को दोस्ती के पैगाम भेजेंगे, उन्हें गुलाब के फूल भेजेंगे और पाकिस्तान बम धमाके करता रहेगा, देश पर आतंकी हमले होते रहेंगे। कांग्रेस कहेगी कुछ भी हो बातचीत तो करनी ही होगी। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कैसे कैसे बयान
ये अभी से देने लगे हैं। इनके नेता कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब ये सुनकर के आपको हंसी आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? आपको किसी को भी पाकिस्तान के पास एटम बम है ये सुनकर के डर लगता है क्या? किसी को डर लगता है क्या? किसी हिंदुस्तानी को डर लगता है क्या? ये कांग्रेस वाले कांप रहे, बोलो क्या ऐसे लोग देश चला सकते हैं क्या? ऐसे लोग देश को सुरक्षा दे सकते हैं क्या? इनके लोग कहते हैं पाकिस्तान से डर करके रहना होगा। ये इंडी गठबंधन वाले पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। मेरा सौभाग्य रहा है पंजाब की धरती पर लंबे समय तक काम करने का, और गुरुओं की इस धरती ने मुझे सिखाया है, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश मिटने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। साथियों, कांग्रेस की समस्या यह है कि उसकी भारत में कोई आस्था ही नहीं है। ये शहजादे विदेशों में जाकर देश को बदनाम करते हैं, वो कहते हैं भारत तो राष्ट्र ही नहीं है, इसलिए राष्ट्र की पहचान को बदलना चाहते हैं। शहजादे के उस्ताद ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण से, हिंदुस्तान में रामनवमी मनाने से भारत की पहचान को खतरा है। कांग्रेस कौन से देश को मानती है जिसे भगवान राम से खतरा है? अयोध्या में 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बना, पूरे देश ने हर्ष मनाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसका बहिष्कार किया। और मजा देखिए, ये राम मंदिर की लड़ाई अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ने वाला पहला व्यक्ति हमारा देश का सिख था, जिसने सबसे पहले लड़ाई लड़ी थी, राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी। और उनके जो वंशज थे, जब राम मंदिर का कार्यक्रम था उसमें वो मौजूद थे। ये सिखों का योगदान है हमारे देश में। इंडी गठबंधन के नेता राम मंदिर को अपवित्र और बेकार बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, ऐसे लोग पंजाब की पहचान पर हमला करेंगे कि नहीं करेंगे? इसका जवाब हमें इस चुनाव में कमल पे बटन दबा करके देना है। साथियों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब के भविष्य को दांव पर लगा रही है। ड्रग्स हमारे युवाओं का भविष्य निगल रहा है। अपराधियों को राज्य सरकार से संरक्षण मिला है। आज पंजाब में विकास ठप है, किसान परेशान है, और ये इंडी गठबंधन वाले
अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। भाइयों और बहनों, पंजाब का विकास ये मोदी की प्राथमिकता है। बीजेपी सरकार यहां दिल्ली कटरा हाईवे बनवा रही है, बीजेपी यहां अमृतसर पठानकोट हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, बीजेपी यहां रेलवे सुविधाओं का विकास कर रही है। हमारी कोशिश है पंजाब में नए अवसर पैदा हो, किसानों का भला हो। बीते 10 वर्षों में हमने पूरे पंजाब में धान और गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की है। जिस भाव पर कांग्रेस सरकार में फसल खरीदी जाती थी, अब उस एमएसपी को 2.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। किसानों को बीज, खाद और अन्य जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। पंजाब के हर किसान को इस निधि के 30,000 रुपये से ज्यादा बैंक में उनके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। यहां पंजाब में मोटे अनाज श्री अन्न की पैदावार भी बहुत है। आज मोदी श्री अन्न के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। मोदी का लक्ष्य है भारत का श्री अन्न दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। इससे पंजाब के किसानों को भी बहुत लाभ होगा। हमारी कोशिश लीची उत्पादक किसानों को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से फायदा पहुंचाने की भी है। अगले 5 साल में हम इन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों और बहनों, ये महाराजा रणजीत सिंह जी की धरती है, और जब मैं महाराजा रणजीत सिंह जी का पुण्य स्मरण करता हूं, तो काशी के सांसद के नाते हर बार मेरा सर झुक करके उनको नमन करता है। आप जो काशी जाते हैं ना, काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन के लिए, वो सुवर्ण जड़ित है, वो सोना महाराणा रणजीत सिंह जी ने जड़ा हुआ है। काशी के विश्वनाथ महादेव में स्वर्ण जो जड़ा हुआ है, वो हमारे महाराजा रणजीत सिंह ने जड़ा है। और इसलिए काशी के सांसद के नाते मैं हर बार सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। यहां की मिट्टी में हमारे गुरुओं का प्रताप और बलिदान शामिल है। हमें विकसित पंजाब, विकसित भारत के मंत्र को साकार करना है। इसके लिए मुझे आपसे आशीर्वाद चाहिए। मोदी आपसे यह अनुरोध करने आया है, 1 जून को गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू जी, होशियारपुर से अनीता जी, अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू जी, इन सबको कमल का बटन दबाकर भारी बहुमत से यह विजयी बनाइए। और ये हमारे अमृतसर के उम्मीदवार हैं तरनजीत जी। पिछले 10 साल में हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सरकार के बड़े अफसर रहे हैं। अमेरिका में भारत की साख बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और सबसे बड़ी बात है, वो उस परंपरा के संतान है
जिन्होंने सीखी के लिए जीवन बलिदान दिए थे उनके संतान है। ऐसा परिवार के व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लेकर के आपके पास आए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप पूरी शक्ति से भारी मात्रा में हर घर से मतदान करने के लिए निकले, कमल पे बटन दबाए और हमारे इन सभी साथियों को विजयी बना करके दिल्ली भेजिए। और जब आप कमल पे बटन दबाएंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और इसलिए मेरा आग्रह है कि आप घर घर जाइए, ज्यादा से ज्यादा, 1 जून अब दूर नहीं है, हमने पूरी ताकत लगानी है। और हर परिवार को ये भी कहना कि अपने मोदी जी गुरदासपुर आए थे और मोदी जी ने परिवार के हर किसी को नमस्कार कहा है, तो मेरा नमस्कार पहुंचाओगे? बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद।